प्रतापगढ़ में रामनवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ रामनवमी महोत्सव को लेकर आज कुमाऊं समाज द्वारा भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा बाण माता मंदिर प्रांगण से शुरू हुई है, जो सदर बाजार होते हुए गांधी चौराहे पहुंची है। यहाँ से शोभा यात्रा का गांधी चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया है, जिसके पश्चात शोभा यात्रा मंदसौर रोड स्थित समाज की छात्रावास भूमि पर विशाल सभा में परिवर्तित हुई है। सभा स्थल पर बाहर से आए हुए समाज जन का प्रतापगढ़ कुमाऊं समाज द्वारा स्वागत किया गया है। इस वर्ष विशेष रूप से समाज में राजकीय सेवाओं में कार्यरत सभी समाज बंधुओं का विशेष सम्मान किया गया है। सभा को जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुमावत, समन्वयक गोपाल कुमावत और समाज बंधुओं ने संबोधित किया है। अंत में युवा जिला अध्यक्ष विष्णु कुमावत ने सभी का आभार प्रदर्शित किया है। यहाँ शोभा यात्रा में भव्य झांकियां भी सजाई गई थी और शोभा यात्रा में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। यहाँ पर शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की झांकी भी सजाई गई थी और यहाँ पर राम लक्ष्मण सहित कई जीवंत झांकियां भी सजाई गई थी और यहाँ पर ढोल की थाप पर युवा झूमते हुए दिखाई दिए हैं। और शोभा यात्रा समाज के मोद ब्यूरो के तत्वाधान में निकाली गई है और समाज के अग्रणी लोगों ने शोभा यात्रा का मार्गदर्शन किया और समाज के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुमावत के निर्देशन में निकाली गई शोभा यात्रा में शहर भर के लोगों ने इसका स्वागत किया है और कुमाऊं समाज के यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। वही शोभा यात्रा जब सभा स्थल पर पहुंची है तो यहाँ पर महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया है और समाज की एकता को बल देते हुए यहाँ पर संबोधित किया गया है एवं प्रमुख वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर कुमाऊं समाज का आभार जताया है। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़। बीज बोया था अपने समाज का संगठन के लिए, वो आज एक वृक्ष बनने के लिए तैयार है और बहुत जल्दी हम उसे एक बरगद की पेड़ की तरह मजबूत कर देंगे। और मेरा यह कहना है कि एक बार मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहूंगा। आपके जो विचार है कुमाऊं समाज के लिए एक क्रांति लाने का, कि कुमाऊं समाज में एकत्रित हो, इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक छात्रावास हो, एक स्कूल हो, सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सबके अपने अपने धर्म है, उसके अनुसार उनके देवता है, भगवान है। आप सोच के आश्चर्य करोगे कि अभी अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं जिसमें ये देखा जाए कि पूछे विभीषण कौन, तो बहुत सारे युवाओं को पता नहीं, हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति भूलते हुए जा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस संस्कृति से जोड़े हुए रखना है, तो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम सिर्फ जिला स्तर ही नहीं, ब्लॉक स्तर हो, गांव स्तर हो, सब जगह होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसको आडंबर मान के कहते हैं, मैं तो ये मानता हूँ चाहे आडंबर भी हो तो इसे अपनाना चाहिए।